हमें जी अभी काफ़ी टाइम हो गया था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? ठीक ठाक हो? फाइनली आ गए तो काफ़ी देर रह चुकी है, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ते का टाइम है सुबह का। चलो ठीक है, चल आ जाओ। वो बच्चे भी बाहर चले गए। वैसे यहाँ के होटल देखे कितने खूबसूरत हैं, रूम ही रूम है। चले जी, अभी हम सारे जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर हम लोगों ने वहीं से मारिया भाई लालो की तरफ चले जाना। लाओ दो, मैं अपना जो पर्स है ना उधर ही भूला, सारे पैसे इसके अंदर है। शुक्र है मिल गया। चलो जी चलते हैं, टाइम पे याद आ गया। चलो हाँ जी, चलो जी बैठो। अभी हम सारे बैठ रहे हैं गाड़ी में। बेबी आपको नींद आ रही थी, उठ गई सारी नींद? नहीं उठी तो फिर सो जाओ। फीटर भी उन्होंने रखे हुए, ये वो आगे रग वगैरह। हाँ ये भी प्यारे हैं। आड़ू इतने फ्रेश है ना यहाँ के मुकाबले। खुशबू अच्छी आ रही है, जैसे मतलब मीट का लग रहा है, गोश्त का कुछ लग रहा है। वो मैं पूछने गया कि क्या चीज है। नीचे तो जैसा ऊपर नहीं आना, वो उधर से नाश्ता करना। चलो आप अभी आपको बता रही। चले जी अभी हम आए नाश्ता करने के लिए। है जगह अहमद क्या करना करम हम क्या? चलो चलो लेके चलो खाना। चलो चलो अंदर यारे, अंदर चलो। अरमान को आते थे, चलो इधर चेयर लगा लेते ना, इधर बच्चे भी बैठ जाएंगे। चलो बैठ जाओ। काम करा लड़का, हमने कहते चेयर लगा लेते हैं, बंदा पूछे नहीं कुछ, टेबल की कहते हैं। नाश्ता जी यहाँ पे आ गया, अभी गरम है, अभी गरम 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 फुल गरम। एक प्लेट, एक दो प्लेट और मंगवा लेते हैं। चले भी आ गए तो भाई एक प्लेट दे देना, ये नाल रखने के लिए करते हैं नाश्ता। प्लेट दे क्या ना दोस्त, इसमें नान रखे, हलवा पूरी भी आ गई है गरम, उन्होंने एक हलवा उतना ही बहाता है। चलो जी नाश्ता क्या दे रहे हैं। हमारी जी अभी आ गई है गर्मा गर्म चाय, चाय पीते हैं आज। चलो जी नाश्ता हमने कर लिया, अभी हम लोग जाने लगे हमारिया वगैरह के घर की तरफ। चलो चले चलो चले बस चलो चले। अभी जी सब ने नाश्ता कर लिया, सब जाने लगे नीचे तरफ। शाबाश, चले जी चलो निकलो, चलो 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 इधर इधर। अभी सारे गाड़ी में बैठ गए, अभी हम लोग जाने लगे हैं। आ जाओ अभी आ जाओ। चलो जी पी लो आप दूध, अभी हम लोग जाने लगे हैं। तेज दूध निकल आई है, तुम आ गया। ओके
ऊते की थे इतने कोई ऊते ऊते नहीं अहमद डिस्पोजेबल पूछी है ये अभी कुछ देर पहले ना दोनों की जन लालर मार दिया पिया सी तो दोस्ती हो गई बहुत अच्छे तो सिंगल बहुत चलो ठीक है अब दोनों को बोतल मिल गई ना अब दोनों की दोस्ती भी हो गई है ठीक है चलो पी लो वो सामने ना उधर सेब लगे हुए दोनों दरख्त पे पर हम जैसे नहीं जा सकते नीचे बहुत वो गहरे दरख्त लगे खाई है हाँ वो कच्चे नजर आ रहे थे प्यारे अमरूद लग रहे आपको चक्की मार के तू माशाल्लाह सेब लग रहे दुकानें वगैरह आ जाती तो बेबी मेरी रोने लग जाती पानी खाँगे वो देखो अब कितना तेज है देख रही हो आप वही ला जी हाँ जी आप ठीक है बेबी पानी मम मम हो गए वो देखो पीछे भी है पैर से लग तो नीरा पीने वाले पर साफ है बिल्कुल पानी हाँ पानी तो साफ वैसे फ्रिज का नहीं होता वैसे पानी उधर मानी देखे जा रही बस इधर अखरोट बादाम अंजीर बादाम नहीं बादाम अच्छा अखरोट अब लेंगे अंजीर लेके जाओगे खाला वगैरह के लिए नहीं यहाँ तो उधर भी वादू ने तोड़े के तोड़े पड़े हुए अखरोट के हाँ जी ये कितनी प्यारी ये क्या है बहरीन वो दरमियान में जो होटल है ना हाँ बहरीन में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी दो हाँ जी हाँ बहुत ज्यादा ये देखे यहाँ पे बिलाल भाई हम लोग आज यहीं पे स्टे कर लेते हैं खैर इसमें रिहाइश फ्री है सुबह को निकल जाएंगे आगे रह निकल जो रहेंगे तो टूटा हुआ देखिए वैसे प्यार है किसने कितने शौक से बनाया होगा तो पानी की वजह से सारी तबाही हो गई हाँ जी ले लिया
بھائی یہ دیکھو میں نے لے لیا تھا, میں نے اپنی سانس کے لیے لیا, آپ کو پتا ہے پہنچ گیا. احمد تم نے کرنا تھا دانت سچ میں؟ اچھا میں دیتی ہوں. احمد کوئی دانتن ایک نمبر کا نہیں, جیسے رگڑ کے کر دیا. ڈینجرس روڈ ہے یہ. تو بچے نہا ڈینجرس چیئر پتہ چلا کہ ادھر جانا ہے ادھر. پتا نہیں چڑھ کے سیرا لان. ہاں صحیح گل, باقی کیٹو کی پہاڑی لا کر سیاپا میرا گڈی چلا رہے بےچارا. ہائے یہ بھی سو گیا نا سارے میرے تینوں سو گئے. وہ کتنے اچھا وہ ادھر لیٹا ہوا یہ بس آ جاتے. وہ دیکھا نہ دیکھا ڈر ڈر کے اتر رہے نیچے دھیان سے پٹھے کام وہی تو کہ پٹھے کام ابھی آج بس کرتے وہ دونوں بھی آ رہے ہیں. اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, ہم کپڑے دے کے کیسے اڑ رہے ہیں. اتنا اچھا موسم ہے. آپ کا ایک ٹاسک آ گیا ہے, لفٹ ہو گیا فوٹو شوٹ اس کا بھی کیا ہے. چلو مجھے واٹس اپ کر دینا. چلو جی بیٹھو چلے. اتنا پانی کا شور اور اتنی ٹھنڈی ہوا دیکھیے, بہت ٹھنڈی نہیں. جی 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 یہ دیکھیں لوگوں نے یہ پل بنایا تھا اور پانی کے بہانے سارا بڑا پل بھی میرا کیونکہ تھوڑا اونچا ہے نا. یہ دیکھیں بلال بھائی کتنے خطرناک رستے سے ہم ملے ایک جانے پیچھے. کوئی حال صرف یہ کہ ہم بجلی کر رہے ہیں. ہاں جی بھابھی کو ادھر کرو, آپ ادھر کتنا خوبصورت بچے سو رہے ہیں تنگ ہوں گے کوئی بات نہیں. دیکھیں کتنے خطرناک رستے کہ موبائل بھی نہیں ٹک رہا ایک جگہ. مطلب لال بھائی صرف ہمیں نا ڈرانے کے لیے اس رستے سے لے گئے. ایڈونچر یہ دیکھیں وہاں زبردست ہے. ابھی جو اتنا پیارا لگ رہا ہے نا بھی آپ کا مزہ آ رہا ہے سفر کر کر کے ہماری شکل بس. وہ کبھی ادھر کی کاؤ دیکھو دیکھتے رہتے ہیں. میں بھی بلال بھائی نے یہاں پہ گاڑی رکھی ہے, کہہ رہی ہیں آپ تھوڑا انجوائے کر لے, اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے بہت اچھی. چلو زیفا جمپ کر دے اس کو, مونا کی جوتی پہنائی اس میں شوز پہننے تھے. بالکل ہلکی سی بوندا باندی ہونا شروع ہو گئی ہے. موسم اتنا اچھا صاف تو لگ رہا, بارش ہونی مزہ آ رہا ہے میرے شہزادے کو ہے نا.
हाँ इतना बड़ा दरिया क्रॉस करके जाना है हमने। कौन सा? वाओ जबरदस्त, बारिश शुरू हो गई है। ये मेरे पाँव सूजे पड़े हैं, जूती नहीं आ रही मुझे, पाँव लटका, ये टूट भी गई लटका लटका के बैठ के। ओह वाह वहाँ पे डक भी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ो, ठंडा पानी है, आ जाओ। चलो ये देखो भाई ने हाथ पकड़ लिया मेरा, आपने नहीं पकड़ा, ये देखो। चलो आप खुद ही चलो, चलो दे आगे देख के, आगे देख के आराम से आई। बिलाल भाई कहते वो डक में पानी में फेंकता हूँ, वो भाग के उधर चले गए कि हमें पानी में ना जाना पड़ जाए। वो तो कभी भी कितना प्यारा, और डक दिखाऊँ आपको इधर से, आप देखो कितनी प्यारी लग रही। करो ना ना करो ना करो ना, वो मेरा शहजादा। क्या खान भाई पता नहीं क्या कह रहा, समझ नहीं आ रही। बेबी थोड़ी देर हमने यहाँ घूम फिर लिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह। यही तो अपनी गाड़ी का फ़ायदा, जहाँ मर्जी रोक लो, जैसे मर्जी व्यू देख लो। तभी हम लोग जा रहे हैं, चलो जैफा चलो दोबारा पुल क्रॉस करो, ये इतना बड़ा। अब बारिश देखे तेज़ होगी कितनी मोटी मोटी, चलो चलो जल्दी चलो, बारिश तेज़ होगी। हनान आ जाओ ना, हुज़ैफ़ा आपको मिलेगा, चलो चलें बैठो। हाय जी अभी हम लोग उतर गए, भाई बिलाल और अहमद तो गाड़ी पार करने गए, तो हम लोग चलते हैं हमारे घर, वो सामने हमारा घर है। चलो जैफा जी, हम लोग इतना ज्यादा घूम फिर के फिर आए हैं घर की तरफ ना। नो 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 मुंह पे नहीं लगाना, नो 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 नो। ये क्या लगा हुआ है? ये टींडे, टींडे। अच्छा वाह जबरदस्त, ये मारू ओके, लंबी लंबी नहीं होती टींडे कद्दू की सामने। अच्छा ये हाथों में भी चुप बताते हैं। क्या हुआ मोमना? जैफा को कह रही है ये देखो माला गल, चलो जी चले हैं आपके गल। अच्छा ये इधर पानी बह रहा है। हाय अल्लाह जी हम पहुंच गए। मोना का घर तो बहुत प्यारा है। वो भी देखो। वाह जी वाह कितना प्यारा रूम है माशाल्लाह। ए भी आ जाओ अंदर आ जाओ, ये भी आपका रूम है साथ वाला, ये भी एक रूम है। वाह जबरदस्त, अभी जी हम आके बैठ के मारिए भाई लाल जी, इतना प्यारा इनका घर है, रूम किचन हर चीज इतनी प्यारी है माशाल्लाह। हाँ इतना पसंद है फर्नीचर, इतना जबरदस्त है देखिए माशाल्लाह। मारिया भी गई है जी पानी भरने, उनकी जो मालम का नहीं वो आके बैठती थी उसके पास बैठी थी, वो अकेली चलेगी, वरना हमने कहा था मिल के जाएंगे। भाई बिलाल और अहमद गया बाजार, तो मैंने कहा मैं उतनी देर ना उनके आने से पहले पहले दोनों की लहसुन अदरक प्याज हर चीज़ रेडी कर देती हूँ, कटिंग कर देती हूँ। तो ये देखे इन सब ने मिलके सारा बखेरा डाल दिया, छोड़ दो मैं कटिंग कर दी। क्या भाई बिलाल भी आ गया, मारिया भी आ गई, मैंने भी लहसुन अदरक बना दिया। ये पहलवान साहब रो रहे थे पर उसको मैंने पकड़ लिया है ना, कैसे देख रहे कैमरे में। पहलवान साहब स्कूल से बैठे नाने पकड़े, उसने रोना शुरू करे थे नाना बना पकड़ना। यार मुझे ऐसे जैसे ना सर्दी से ना बुखार हो या थकन से हो गया, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, तभी खाना खा ले फिर पैनाडोल आपके बाजार से लिया जी, लाइट ही नहीं आ रहा, लाइट ही नहीं आ रही, इधर हमारी कितनी लाइट का बहुत मसला है। पहलवान साहब शुक्र है तुहानू भी कितने हसियां आईया, कितने हछियां आईया, हछियां आईया देख क्या करे, सीधा आ जा गर्दन कैसे लटका रहे, बिस्मिल्ला। अब तो आते साथ सो के कहता है भाभी खाना बनेगा तो मुझे ठा देना।
इतने प्यारे मसाले की खुशबू आ रही है। अभी चिकन शिकन कुछ भी नहीं डाला, खाली मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं मारिया से कह रही भाई इतना ज़्यादा गोश्त ले, ऐसे लग रहे थे 2 से 3 किलो गोश्त, पर मारिया कह रही किलो है। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लाए ये लो, और मैं किलो गोश्त होता तो मार के 8-9 कोटियाँ होनी ओए गोदी में भी आ गया। सो जा, नींद आ रही थी ना। कहता गोश्त बाहर ही ना निकालो। हाँ, नहीं कहता गोद में उठाए रखो। ये उन्होंने मार खो और कहते हैं ना उसकी खोपड़ी रखी हुई है, ड्राई होगी तो ये लोग कहीं लगाएंगे मेरे ख्याल से। इतना कीमती जानवर है पाकिस्तान, इसका शिकार करते हैं लोग। उल्टे उल्टे काम क्यों करती हो, हैं? फंस गई है, आवाज दे रही है मुझे मामा मामा। मारिया गई है जरा अपने बेटे को लुटाने। तो मारिया ने पुदीने की चटनी बनाई, जल्दी से मैंने खीरे कटिंग करके रायते भी तैयार कर लिया। इधर फ्रेश पुदीना ताजा उतार के किया, इतना अच्छा लग रहा है, मजे का। इधर आ जाओ, ये स्वाद के चावल है कलाम के, इतने इतने मोटे होते हैं, जल्दी होते ही नहीं है ना। मारिया ने 2 घंटे हो गए भिगोए हुए, अभी भी ऐसे सख्त है। वाह ये व्यू देखे माशाल्लाह, जो बादल है कहाँ तक पहाड़ों के ऊपर आ गया, देख रहे हैं इतना जबरदस्त व्यू लग रहा है। मोना ने पहले यहाँ पे लाला फ्रॉक, इतनी प्यारी लग रही है मोना, वो देख रही है, प्यारी है ना फ्रॉक आपकी की, वो अपने कपड़े देखने लगी। आपकी भी प्यारी है, वो देख रहा उधर खड़ी होकर मुझे इशारे कर रही है, तो अब मैंने देखा तो भाग गई है, लड़ने लगी एक दूसरे के साथ, तो भाग गई। ना करो जैफा, अब वो चार हो गए, एक ने दूसरे का दूसरे तीसरे का, चारों आके बाय बाय कर रही है। ये देखा मुझे कह रही है खड़ी होकर तो भी बाय बाय करो, क्या कर रही हैं आप यहाँ, बाय 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 बाय। मैं मारिया से क्या नहीं, मैं कह ये क्या आलू सुखाए हैं फ्राइज के लिए, कहती नहीं ये तोरियां, देखिए तोरियां टाइप कुछ कह रही, तोरियां ही लग रही हैं मुझे तो, वैसे जैसे करेले नहीं फ्राई किए होते। गर्मा गर्म दी बिरयानी यहाँ पे बन गई है, अभी डिश में डाल के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ जी गर्मा गर्म बिरयानी आ गई, रायता आ गया, ऐ मैंने तो भाई नींद पूरी कर ली थी अपनी सो गए। चलो खाना खा के दोबारा सोना, लाइट हाले तक नहीं है, मैंने सारी रात नहीं आनी बत्ती। राइस मौसम तो ठंडी है, साथ मारिया ले आई है तो भी खाना खाते। यहाँ जी गर्मा गर्म चावल भी डाले, रायता क्या लेना है, अच्छा जी बहुत। चलो बस थोड़ा सा डाल, चलो खा लो। खाना चाना खा के जी हो गया फ्री, तो अभी इनकी लाइट आई है तो चाय बना रही हूँ, चाय पी के फिर तैयारी करेंगे सोने की, फिर लाइट चलेगी। सोलर पे 2 बल्ब चल रहे हैं किचन का और एक कमरे का, अभी इतनी देर लाइट थी फिर 1 बल्ब हो गया, लाइट आ गई। ध्यान से बड़ी मुश्किल से सोया, चाय मैं यहाँ पे डाल के ले आई हूँ, अभी चाय पीते हैं फिर बिस्तरे बिछाते हैं। आपको भी चाय डाल दी चाय। हनान क्या हुआ, सर्दी लग रही, ये बाहर से ओके है भाई बिलाल अहमद गए थे वीडियो करने, हम सब ने पिस्से पर छा लिया ऐसे, हम सोचे इधर मारिया इधर भाई बिलाल अहमद इधर मैं और बच्चे।